नमस्कार दोस्तों, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द डिवाइन एसोसिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में बताएंगे, जिसे ध्यानपूर्वक सुनने तथा सुनाने वालों के सभी कष्ट दूर होते हैं और बहुत ही शुभ फल मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस सीरीज के अगले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, जिससे और लोग भी इस कथा का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। उसने एक साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की बात वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बेल वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो शिवजी को बहुत ही प्रिय हैं। अगर शिवजी को वो अर्पित किए जाते हैं तो शिवजी बहुत खुश होते हैं। उस बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। शिकारी को सारे दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला था। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्री भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची, जो कि गर्भवती थी। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यांचा खींची, वो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब तो मुझे मार लेना। शिकारी को दया आ गई। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई और तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में उस हिरनी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए ही तो जीवन दान मांग रही हूँ। ऐ शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत
लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई, उसने उस मृगी को भी जाने दिया। काफी देर से शिकारी को कोई शिकार भी नहीं मिला था। बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि जहां वो बेल पत्र फेंक रहा वहां पे शिवलिंग है। जब सुबह होने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट हिरन उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यांचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, पर यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष और बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों की याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय से जीव हिंसा को सदा के लिए त्याग दिया और अपना स्वभाव दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, शिकारी से अनजाने में हुए इस व्रत से शिकारी को भगवत भक्ति तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कथा शेयर करके और भक्तों को भी इसका लाभ दें। ओम नमः शिवाय।